हम बात कर रहे हैं IRFC की। आज के दिन की बात करें तो IRFC में फ़िलहाल हमको छोटा मोटा अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ फ़िलहाल स्टॉक जो है 157.30 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। इससे पहले जब बड़ी गिरावट आई थी, चार्ट पैटर्न पर हम देख सकते हैं जहाँ से स्टॉक ने इससे पहले सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 150 का लेवल, इस दफ़ा भी उसी लेवल के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, ब्रेक डाउन नहीं किया। तो एक अच्छी बात हमारे लिए रही है कि ब्रेक डाउन नहीं किया, और उसी सपोर्ट से एक जंप कहाँ तक का आया था, 164 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया। देख सकते हो पहले सपोर्ट ले रहा था, अब रेजिस्टेंस का काम किया है, गिरावट आई है तो लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए। और इसके ऊपर ही, अपने लो के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन होता नज़र आ रहा है, तो IRFC के खेल जो है अब बहुत जल्द यहाँ से पलटता नज़र आ सकता है। IRFC यहाँ से हमको और अप ट्रेंड दिखाता नज़र आ सकता है, अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की ओर गिरावट आती है तो 155 इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो सबसे आखिरी सपोर्ट 150 का लेवल रहेगा, लेकिन चांस बने हुए अपसाइड के। अब अगर जंप आता है तो देख सकते हैं स्टॉक ने कहां से रिजेक्शन फेस किया हुआ है, 164 का लेवल इमीडिएट टारगेट है, पहला टारगेट है, और इसी लेवल पर सारा डिपेंड करता है मोमेंटम का। IRFC का मोमेंटम 160 के लेवल, 64 के लेवल पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर अगेन 164 के लेवल से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई तो फिर बड़ी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन अगर 164 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर एक क्लियर कट अपसाइड का रिकवरी का सिग्नल रहेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट 170, इसके ब्रेकआउट के बाद फिर 180 से लेकर 200 तक का भी जंप IRCTC हमको दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए IRFC दिखाता नज़र आ सकता है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।